हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आपदाएं आ रही हैं और भारी नुकसान जान माल का भी हो रहा है, चाहे शिमला ज़िला की बात हो, इसके अलावा कुल्लू ज़िला में और मंडी ज़िला में अनेक स्थानों पर भारी बारिश के कारण आपदा आई और लोगों की जान भी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या इंसिडेंट हैं, जो पीछे इंसिडेंट हुए कैसे आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी आपने की, क्या वो घटनाएं थी, क्यों इस प्रकार से बारिश हिमाचल प्रदेश में इतनी तेज़ गति से हो रही है पिछले 1-2 सालों को अगर हम नज़र डालें तो? देखिए, जो है अगर पिछले और इस साल की बात करते हैं तो पिछले साल हमारे पास जो है उस समय जो मेनली कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस का और मानसून ट्रफ का जो जिसके एसोसिएटेड ईस्टर्ली विंड थी उनका इम्पैक्ट रहा था, और जो इस बार आपके पास 31 तारीख से 1 तारीख के मध्य जो रेनफॉल हुई है वो उसमें मेनली देखेंगे कि जो मानसून ट्रफ है हमारे पास, कम दबाव की लाइन है, वो फिरोजपुर से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक जा रही थी और हिमाचल प्रदेश का जो आपका मैदानी इलाका है उससे लगते हुए जा रही थी। तो उससे पूर्वी हमारे जो नमी भरी हवाएं हमारे पास आ रही थी, साथ में साउथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हमारे पास पंजाब और एडवाइनिंग हिमाचल प्रदेश में बना हुआ था, उससे साउथ वेस्टर्ली विंड्स आ रही थी तो वो भी नमी लेके आ रही थी, दोनों तरफ से विंड आ रही थी। और उन जो मुख्यतः जो मानसून ट्रफ है शिफ्टिंग उसकी शाम के टाइम में हमारे पास हुई है, तो इन दोनों का जो विंड आपके पास मॉइस्चर आने से रात में जो स्पेशली पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी हुई है, और इवन दो जो आप देखेंगे चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली अभी तक रेनफॉल हुई है, जिसमें आपको हम लोग मोटे तौर पे अगर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है तो वो होती है, तो एक्सट्रीमली रेनफॉल हुई है। और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मंडी है हमारे पास, चंबा है, तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल के एपिसोड भी रिलाइज हुए। तो उसकी वजह, मुख्य वजह मानसून ट्रफ का शिफ्टिंग था, साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के एडजॉइनिंग एरिया में था, बना हुआ था, उसके चलते ये एक्टिविटी हुई है। और ये एक्टिविटी देखिए मानसून टाइम में हमारे पास होने की पूरी संभावना रहती है, और स्पेशली अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो मंडी और आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या चंबा के आसपास का जो टेरेन एरिया है, हमारे पास टोपोग्राफी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विंड क्या तो उसका वो कैसे आपके टकरा रहा है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब एक और बात जानना चाहूँगा, पिछली मानसून में भी और इस बार भी जो अभी नुकसान हुआ है 2-3 जगह, बहुत बारिश हुई है और एक ही स्पेसिफिक एरिया में हुई है। पिछले अगर मानसून की बात करें जो, तो ये जो स्पेसिफिक एरिया था ये कुल्लू ज़िला और मंडी की जो वैली है, पूरी ब्यास का हम कह सकते हैं जो वैली है, उसमें भारी बारिश हुई थी और एक स्थान पर अधिक बारिश होती है जिसके कारण फिर फ्लड आया नदियों में और नुकसान हुआ। इस बार भी जो बारिश है वो स्पेसिफिक एरिया में, इस वैली में हुई है, जो ब्यास वैली है उसमें भी हुई और रामपुर के आसपास भी हमें देखा है, तो ये क्या कारण है कि स्पेसिफिक एरिया में ही बारिश अधिक हो रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टोपोग्राफी और जो टेरेन है हमारे पास, पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है उस जगह पर, उसका बहुत काफ़ी इम्पैक्ट हमारे पास पड़ता है, क्योंकि जैसे विंड ब्लो कर रही है वो उसके पास जो जैसे जो नियरेस्ट आपके पास कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स आएगा उससे जैसे ही आपका वो होगा क्या कहते हैं इंट्रैक्शन होगा तो वर्टिकली एक्सटेंड करेगा और आपके पास क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल एक्टिविटी होगी। तो जब आप देखिए दो तरह से विंड आ रही थी हमारे पास, एक साउथ वेस्टर्ली विंड जो कि अरेबियन सी से थी और साथ में पूर्वी हवा आ रही थी, तो दो डायरेक्शन से हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में मॉइस्चर लेके आ रही थी, और उस जगह पर हमारे पास इंट्रैक्शन हुआ जहाँ पर कि पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक भी कभी कभी देखी जा सकती है, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा एक्टिविटी उस जगह पर रियलाइज हुई। अब आने वाले समय में कैसा मौसम रहने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ नुकसान हुए वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस नज़रिए से भी। अब हिमाचल प्रदेश के अधिकांश सभी ज़िलों की बात करें तो अब आने वाले 2 से 3 दिन मौसम कैसा हिमाचल में रहेगा? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो हमने चेतावनी जारी की हुई है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट या आप कह सकते हैं कि चंबा माँ और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्पेल जो है आपके पास हैवी रेनफॉल का 1-2 दिन में रह सकता है, लेकिन जितना सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारे पास रेनफॉल एक्टिविटी 30 और 31 में उतनी नहीं होगी। हैवी रेनफॉल होगी लगभग आप कह सकते हैं कि 70 से 80 मिलीमीटर तक रेनफॉल हो सकती है, लेकिन वो भी जैसे कि इतना इंटेंस होने के चांसेस नहीं है, उसके लिए हमने येलो कलर में चेतावनी जारी की हुई है। बाकी अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यतः हमारे पास लाइट से मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल होगी, तो आई थिंक मानसून टाइम में वो आपके पास हिमाचल प्रदेश में चलती रहती है, तो वो वार्निंग के लायक ऐसी सिचुएशन हमारे पास नहीं है। मुख्यतः जो मैं जैसा मैंने बताया कि जो कांगड़ा चंबा और मंडी डिस्ट्रिक्ट का कुल्लू के आसपास का एरिया है वो ज़्यादा हमारे पास प्रोन है, उसमें भी
उतनी इंटेंस रेनफॉल नहीं होगी। और अगले 2 दिनों में आप देखेंगे जो फुटहिल्स के आसपास हमारा एरिया है, जैसे कि जो प्लेन्स में आ रहा है, वहाँ पर थोड़ी मॉडरेट टाइप की एक्टिविटी हमारे पास हो सकती है। और बाकी जो रीजन है उसमें हमने लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के अगले 3 से 4 दिनों में संभावना है। बिल्कुल, तो हिमाचल प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन फिर बारिश होगी, लेकिन हैवी बारिश कहीं नहीं है, लाइट टू मॉडरेट बारिश की अनुमान जताया गया है। हाई हिल्स में ज़रूर कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे इनका कहना है कि 3-4 दिन में जो प्लेन्स एरिया हैं वहाँ पर अधिक बारिश हो सकती है। तो ज़रूर एक हल्की और मॉडरेट बारिश की चेतावनी डॉक्टर कुलदीप राठौर की तरफ से दी गई है। और अब देखना होगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं वो कितनी तेज़ गति से चलते हैं, क्योंकि मौसम की तरफ से फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मोहलत ज़रूर मिली है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, हिमाचल।